अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में, कुकिंग विद शाइना में। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको बताने वाली हूँ खड़े गरम मसाले में चने की सब्जी बनाने का तरीका। जो कि सब खड़े गरम मसाले हमने तैयार किए हैं, इसमें अपन हम ये चने की सब्जी बनाएंगे। इसको हमने अच्छे से गला दिया था, दिन में गलाया था। ये एक कटोरी मैंने चने दिए थे, अच्छे से गल चुके हैं। गला के इनको एक पानी से वॉश कर लेंगे। ये हमने खड़े गरम मसाले सब रेडी किए हैं। इसमें क्या क्या डालेगा मैं आपको बताती हूँ। 3 से 4 प्याज डालेंगे अपन इसमें, बड़ा साइज का प्याज आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। 2 मुट्ठी मैंने लहसुन दिए, 2 बड़े साइज के टमाटर दिए, 1 टेबल स्पून जिंजर का पेस्ट दिया है, 4 से 5 हरी मिर्ची दी। ये खड़े गरम मसाले में ये 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 2 बड़ी इलायची, शाहजीरा, थोड़ी सी हमने ये काली मिर्च दी, लौंग दिए 4 से 5। ये सूखे मसाले हमने तैयार किए। इसमें है 2 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर। आज मैं आपको बताने वाली हूँ खड़े मसालों में चने की सब्जी। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट है। आप भी बनाएं, जरूर ट्राई करें। इस तरीके से एक बार आप बना के ट्राई करें, अगर आपको पसंद आए तो बार बार बना के खा सकते हैं आप। अब मैं आपको इसको बनाने का तरीका बताती हूँ। कोई तेल गरम नहीं करेंगे, ना कोई अपन प्याज फ्राई करेंगे, ना कुछ करेंगे, सीधा सब इसी में डालेंगे। तो सबसे पहले अपन इसमें डालने लगे हैं जो अपन ने चने गलाए थे, वो डालेंगे अपन इसमें। मेरे आज कोई वीडियो शूट करने वाला नहीं, तो मुझे खुद को अपने हाथों से शूट करनी पड़ेगी। तो अगर कुछ 19-20 हो तो आप मैनेज करना। फिर ये सारे मसाले, सूखे मसाले डाल देंगे। अब इसमें सारे खड़े गरम मसाले डाल देंगे। टमाटर डाला है, लहसुन डाला है, प्याज डालेंगे, हरी मिर्ची वगैरह सब इसमें डाल देंगे। मैं ये सब डाल के आपसे मिलती हूँ। ये सब मसाले हमने इसमें डाल दिए। अब इसमें अपन ऑयल डालेंगे। ऑयल गरम नहीं करना है, क्योंकि अपन को डायरेक्ट इसमें सीटी लगानी है। खड़े गरम मसाले में बनाने का मतलब यही होता है। ये 1 बड़ा चम्मच भर के मैंने डाला, 1.5 चम्मच डालेंगे। आप चाहे तो कम भी डाल सकते हैं, अगर आप कम तेल खाते हैं तो। हमारे सबको तरी पसंद होती है, इस वजह से। ये हमने इसमें ऑयल भी डाल दिया, सारे मसाले डाल दिए। अब इसमें अपन डालने लगे पानी। 1 गिलास भर के मैंने ये इस साइज का गिलास लिया है, 1 गिलास भर के मैं इसमें पानी डालूंगी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ऊपर नीचे। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट चने की सब्जी बनेगी, एकदम भुनवा। आप भी बना के जरूर ट्राई करें इसे। इसे अच्छे से मिक्स करके डायरेक्ट गैस पे रख देंगे। देखिए, इसको हमने फुल तेज आंच पे रख दिया है। अब इसमें से निकाल देंगे चम्मच, इसको ढक्कन लगा के इसमें 5 से 6 सीटी लगा देंगे। फिर अपन इसकी भुनाई करेंगे। खड़े मसालों में अपन सब्जी बना रहे, तो सब चीज अपन ने इसमें डाल दिए। अभी इसमें सीटी आ रही है, 3 सीटी आ चुकी है। मैं 2 सीटी और लूंगी ताकि अच्छे से गल जाए। फिर भुनाई करेंगे अपन, फिर हम इसकी भुनाई करेंगे। आप भी प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार ज़रूर बना के टेस्ट करें, अपने घर वालों को भी टेस्ट कराएं। एक बार बनाएंगे, बार बार बनाएंगे। दो सीटी और मैं दे देती हूँ। इसमें सीटी आ चुकी है, प्रेशर भी निकाल दिया। अब इसको खोलेंगे अपन। देखें, इसको खोल दिया है हमने।
अब इसकी भुनाई करेंगे। ये खुल के इस प्रकार से दिखेगा, ये आप चेक कर दें गले नहीं गले, ये गल चुके हैं। अब भुनाई करेंगे इसकी, कम से कम भी 15 से 20 मिनट भुनाई करेंगे। आप चाहे तो भुनाई में दही भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने इसमें टमाटर डाले हैं तो मैं दही नहीं डालूंगी। 15 से 20 मिनट इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे, फिर बताती हूँ मैं आपको। देखें इसको ढक के हम इसे भुनाई कर रहे हैं। बस इसकी जमसम 5 मिनट और भुनाई करेंगे, फिर इसमें धनिया डाल के सर्व करेंगे इसको। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही आसान रेसिपी है, आप भी बना के ज़रूर ट्राई करें एक बार, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए इसकी अच्छे से भुनाई हो गई है, आप चाहें जितना इसको थिक रख सकते हैं, आपको कितनी इसको भुनवा रखनी है आप उस हिसाब से रख सकते हैं। हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है, अब हम इस गैस बंद कर देंगे, इसमें धनिया डालेंगे। धनिया डाल के इसको 5 से 10 मिनट ढक के रखेंगे, ताकि इसमें तब तरी आएगी। आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें, कुछ भी बनाएं तो बनाने के बाद इसको 5 से 10 मिनट ढक के रखें, ताकि इसमें अच्छे से तरी आ जाए। पूरी प्लेट साफ करके हमने अच्छे से इसमें धनिया डाल दिया। देखें मैंने इसको थोड़ी लपटवा रखी, ज़्यादा भुनवा नहीं रखी है, और मैं आपको सर्व करके मिलती हूँ। आप भी प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट, एक बार बना के ज़रूर खाएं। मैं इसको 5 से 10 मिनट पहले ढक देती हूँ तरी के लिए। ये पूरा हमने थाली में इसको सजा लिया है नींबू और प्याज के साथ, हम इसको टेस्ट करेंगे। आप भी प्लीज़ बना के ज़रूर खाएं। आप चाहें तो इसके साथ पूड़ी भी बना सकते हैं, पर हम रोटी के साथ ही खाएंगे। एक बार प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप भी ऐसी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। आ जाइए फ्रेंड्स, आप भी खाएं हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।